कासगंज जनपद की सदर कोतवाली में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे की दहलीज पर फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। इस मामले में महिला के परिजनों ने पति और उसके बहनोई पर मारपीट कर उसकी हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस हत्या या फिर आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। आपको बता दें कि पूरा मामला कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के सहावर गेट स्थित साई नाम की कॉलोनी का है, जहां गुरुवार की सुबह पड़ोसियों द्वारा पुलिस और मायके पक्ष के लोगों को सूचना दी गई कि ममता का शव उसके ही घर के कमरे की दहलीज पर फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। पुलिस के साथ ही मायके पक्ष के लोग पहुंच गए, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल है। सत्यवीर सिंह, जो आपके परिवार में एक बेटी खत्म हुई है, क्या कुछ मामला निकल कर आ रहा है, क्या है? जी, ये मेरी भतीजी है और इसके पिताजी एक संत थे। उन्होंने शादी जल्दी ही कर दी थी। एक मोहनपुर के पास में आलमपुर गांव है, उस वहाँ पे प्रदीप कुमार नाम के लड़के के साथ शादी की थी। ये बहुत दिनों से ये प्रधानी वगैरह का इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, तो काफ़ी पैसा इन्हें खर्च किया था। ये यहाँ पे छोले भटूरे का व्यवसाय करते थे मंडी पे, तो उसमें प्रधानी में इन्होंने पूरा पैसा ख़त्म कर दिया था, 20 लाख रुपए करीब करीब इन्होंने ख़त्म कर दिया था। अब इन्हें पैसे की बहुत तंगी थी और कासगंज पर जो प्लाट था वो उस लड़की के नाम था, जो मेरी भतीजी है ममता, उसके नाम था। तो उस लड़की से प्लाट बेचने का दबाव बना रहे थे ये। बहुत दिनों से ये सोच रहे थे। अभी 2 दिन पहले ये खाटू श्याम गए थे, तो वहाँ इन्होंने कोई साजिश रची का इसे कहीं रास्ते में मारा जाए, लेकिन वहाँ पर ये सफल नहीं हो पाए। उसके बाद में इन्होंने ये कासगंज में आकर के और अपने बहनोई बुरथड़े के हैं उनसे मिलकर के ये पूरी उसको घटना को अंजाम दिया है। लड़की को मतलब मार के टांगा गया है। क्या उसके चोट के निशान है? हाँ हाँ, पैर पे चोट के निशान है और गर्दन पे भी चोट के निशान है, इससे मतलब प्रतीत होता है। पहले मारा गया, उसको मार के टांगा गया है। इसे क्या कार्रवाई की मांग कर? मैं प्रशासन से मांग करूंगा जो इनके मतलब जो दोषी व्यक्ति है उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।